हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल द डेली टेक नेटवर्क बूस्टर। और इस सिस्का के ब्लूटूथ की काफ़ी सारी आपकी कमेंट्स और क्वेरी आ रही थी। कई लोगों का कहना है कि ये जो ब्लूटूथ है इसका साउंड प्रॉब्लम आ रहा है और इसको कैसे। सबसे पहले तो गाइस मैं बता दूं कि इस सिस्का के ब्लूटूथ का एक वीडियो मैं पहले ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट में अपडेट कर चुका हूं, तो अनबॉक्सिंग का वीडियो आप देख सकते हैं और कैसे यूज़ करना है मैंने वहां भी बताया था। लेकिन कुछ इनकमिंग आउटगोइंग की प्रॉब्लम आ रही है। मैं इस ब्लूटूथ को कम से कम लगभग 3 मंथ्स से यूज़ कर रहा हूं, मुझे तो अभी तक कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं गई। बड़ा ही आसान सा ब्लूटूथ है और इंडिया में सबसे सस्ता और अच्छा ब्लूटूथ माना गया है इसको। तो मैंने भी मेरे डेली यूजेस के लिए मैं इस ब्लूटूथ को यूज़ करता हूँ। तो गाइस आपको ध्यान ये रखना होगा कि सबसे पहले तो इसको, अगर आपको ब्लूटूथ अच्छा लगे, अगर आपको इसको नीड है, तो आप इस ब्लूटूथ का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर अमेज़न इंडिया से ऑफिशियल आप इसे खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बाय करने का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपको अनबॉक्सिंग का वीडियो ऑलरेडी गाइस मिल जाएगा। मैं इसको अब बताता हूँ आपको कि यूज़ कैसे करना है। सबसे पहली बात, इसको यूज़ की ही प्रॉब्लम है। इसको यूज़ करने के लिए आपको ध्यान कई सारी बातों का रखना है, क्योंकि मल्टी फंक्शन ब्लूटूथ है। लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन्स में, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में, या तो जैसे कि मैं बताता हूँ, मेरे पास और एक फ़ोन है ए वाला, तो इसमें भी बड़ी बहुत अच्छा वर्क करता है। ये तो फ़ोन सिंपल रहे, देखो माइक्रोमैक्स का मेरा ये फ़ोन है, ये मेरा माइक्रोमैक्स का फ़ोन है। अब इसमें तो टेम्प्रेरी ब्लूटूथ होता है, चले तो चले, लेकिन इसमें चलता नहीं है। लेकिन इस कंपनी का कहना है कि अगर इसमें ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ 4.EDR, तो ये बड़ी आसानी से वर्क करेगा। हाँ, इसमें मैंने एक महीना इसमें यूज़ किया है और इसमें तो मैं यूज़ ही करता हूँ। अभी जो मेरे पास फ़ोन है वो ओप्पो का फ़ोन है, जिसमें कि F3 Plus फ़ोन है, उसमें भी ब्लूटूथ 4.0+EDR आता है। और इस फ़ोन में तो मुझे भी नहीं पता कौन सा ब्लूटूथ आया था, तो इसमें भी बड़ा आराम से इसमें वर्क करता है। बॉक्स की कंटेंट की बात करें तो सिर्फ आपको बॉक्स के अंदर, मैंने जो वीडियो अनबॉक्सिंग का है वो देख सकते हैं, एक केबल आती है आपको, USB से माइक्रो USB केबल मिलेंगी इसको चार्ज करने के लिए। और इसमें आपको एयर गिल मिलेगी, एयर प्लग्स मिलेगा एंड मच मोर। वो वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसको सबसे पहले आपको आपके मोबाइल फ़ोन से ब्लूटूथ ऑन करके इसको पेयर कर देना है। काफ़ी सारी मैं फोरम में देख रहा हूँ, काफ़ी सारी कमेंट्स आ रही है कि इसको यूज़ कैसे करना है, चलता कैसे है। आप इसमें इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, वॉइस कॉलिंग, गाने सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो, बहुत सारे फंक्शन है। तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले तो हम इसे पावर ऑन कर लेते हैं। पावर ऑन यहाँ से नहीं होता है, पावर ऑन करने के लिए ब्लूटूथ के नीचे यहाँ पर देखो एक छोटी सी बटन बनी हुई है, तो आपको दिख जाएगी क्योंकि कैमरा हिले ना। तो मैं ये जो बटन दिख रही है आपको, ये पावर ऑन ऑफ की बटन है, तो इसको मैं इधर खिसका देता हूँ, तो देखो मेरा ब्लूटूथ पेयर होने की कंडीशन में हो गया है। अभी मैंने मेरे मोबाइल का ब्लूटूथ बंद करके रखा है क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब ना हो, तो ये ब्लूटूथ पेयर हो जाएगा। तो जब आपको वाइट और ग्रीन कलर की यहाँ पर इंडिकेशन आती है, तो ये समझो कि आपका ब्लूटूथ रेडी हो चुका है। और इसमें एक वॉइस असिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट डला हुआ है, तो वो आपको बोलेगी पावर ऑन ब्लूटूथ इज पेयरिंग मोड, वो बोलेगी आपको। इसमें आपको कान में लगा लेना है इसको बड़ी आसानी से, और आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो वॉइस असिस्टेंट डला हुआ है वो आपको रिमाइंडर करते जाएगा कि बैटरी कितनी बची है, इनकमिंग कॉल आ रही है, आउटगोइंग कॉल जा रही है, एनी मच मोर फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो दिख रही है छोटी सी, ये पावर ऑन ऑफ की बटन है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑन ऑफ की बटन दिखेगी, ठीक है, ये वाली जो दिख रही है आपको कोने में, ठीक है। मैं बता देता हूँ और एक बार, आपको इसे आपको ऑन रहने देना है और इधर करोगे आप किसे तो ऑफ़ हो जाएगी। यहाँ पर ये बड़ी दिक्कत जाती है पावर ऑन ऑफ़ करने में, तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से सिस्का के ब्लूटूथ और भी आते हैं, तो अगर इसमें दिक्कत हो, लेकिन सिस्का के ब्लूटूथ में अधिकतर बटन यही आती है पावर ऑन ऑफ़ की, ठीक है। मैं गाइस इसे काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, 4 से 5 घंटे का इसका बैटरी बैकअप मुझे आराम से मिलता है लगातार कॉलिंग में, सिर्फ बात करने के लिए। गाने भी सुन सकते हो आप, उसका मैं लास्ट में बता दूंगा। तो पहले फिज़िकल ओवरव्यू की बात कर ले, तो आपको जो सामने दिख रही है मल्टी फंक्शन की है। अगर आपको कोई कॉल करता है तो आपको उसको एक बार प्रेस करना है, तो कॉलिंग आपका कॉल उठ जाएगा, यानी कि आप आराम से बात कर पाओगे, ठीक है।
ये वाली मल्टीफंक्शन है, इसी के अंदर आप अगर कोई वीडियोस देख रहे हो या कोई गाने सुन रहे हो तो इस बटन को एक बार प्रेस करके वीडियो को पॉज कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, सॉन्ग्स को पॉज कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। काफ़ी सारा मल्टीफंक्शन बटन है। दो या मल्टी यानी कि एक लैपटॉप ब्लूटूथ जो भी अगर आपका डिवाइस है फ़ोन से और एक लैपटॉप से इसे आराम से कनेक्ट कर सकते हो। उसमें करना क्या है, जैसे कि अभी पेयरिंग हो रहा है, फ़ोन से पहले कनेक्ट कर देना है आपको, उसके बाद इसको 10 सेकंड तक के होल्ड करके रखना है, उसके बाद लैपटॉप का ब्लूटूथ या किसी दूसरे फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना है तो वो डिवाइस पेयर हो जाएंगी और ये सेलेक्ट हो जाएगा। इन केस अगर कॉल्स आता है आपको तो सबसे पहले यहाँ इस डिवाइस को एक बार प्रेस करके आपको कॉल पिक करना पड़ेगा, उसके बाद वॉइस ट्रांसफ़र होगी। तो ये मल्टी फंक्शन की इस टाइप से काम करती है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब जाते हैं इधर साइड में, साइड में जो दिख रही है आपको ये वॉल्यूम रॉकर बटन है वाया सिस्का की तरफ से जो मिलता है, तो ये इसमें वॉल्यूम रॉकर बटन आती है। अगर आप देखा जाए तो ये अप बटन है और डाउन, यहाँ से आपको इसमें अप करना है और अगर इसे नीचे प्रेस करोगे तो ये डाउन बटन जाएगी, ठीक है ना। फुल वॉल्यूम कर सकते हो, इधर से आप वॉल्यूम को डाउन कर सकते हो, कॉल पिक करते टाइम हाँ अगर आप बात कर रहे हो तो इसे वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो। काफ़ी अच्छा साउंड है मेरे अनुसार तो, साउंड काफ़ी अच्छा है। इससे भी महंगे ब्लूटूथ आते हैं अगर आपको बजट सेगमेंट का ब्लूटूथ चाहिए, क्योंकि इसकी कमेंट्स काफ़ी आ रही थी। ये एयर ग्रिल है, इसको आप लगा सकते हो, अगर ये एयर हुक बोलते हैं, एयर हुक आपकी ज़रूरत के हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। ये निकल भी जाता है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये यहाँ से ये देखो ये निकल भी जाता है और उसको बड़ी आसानी से आप इसको स्टेप कर सकते हो। बॉक्स में 3 से 4 आती है एक्स्ट्रा से, आप बॉक्स में वो अनबॉक्सिंग का वीडियो देख सकते हो। एयर ग्रिल भी मिलती है आपको ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन इसको आपको बैग के अंदर रखना है, अगर आप खुला छोड़ दोगे तो ये कोई भी जो इसको ये डील हो जाती है, देखो यहाँ से डील हो चुकी है, ठीक है ना। तो बस इतना सही था। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये चार्जिंग पोर्ट बना हुआ है, लगभग 1.5 हावर्स के अंदर ये फुल चार्ज हो जाता है और 4 से 5 घंटे बड़ी आराम से मुझे तो बैटरी बैकअप दे रहा है। अगर आप लगातार गाने ही गाने सुनोगे, लगातार कॉल कर रहे हो, घंटों से बात कर रहे हो, तो हाँ फिर बैटरी बैकअप कम हो सकता है, 2-3 घंटे मेरा अंदाज़ चलेगा अगर लगातार, लेकिन मेरे अनुसार तो मुझे 4 से 5 घंटे ये चल जाता है सिंपल कॉलिंग में, अगर गाने वाने अगर नहीं सुनते हो। अगर आप बड़ी सिंपल कॉलिंग करते हो, जैसे कि बाइक ड्राइविंग करते टाइम हेलमेट के अंदर भी इसे माउंट कर सकते हो। हेलमेट के अंदर माउंट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस एयर ग्रिल को आपको हटा देना पड़ेगा, पहले आपको ब्लूटूथ को एंटर करना पड़ेगा और ये जो आपको एयर ग्रिल दिख रही है इसको कान के अंदर साइड में एंटर करना पड़ेगा और इसको दबा के आप हेलमेट एंटर कर सकते हो, तो बड़ी आसानी से एक से गाने सुन सकते हो आप अगर ड्राइविंग करते टाइम, क्योंकि एक हैंड का ही है, एक कान में ही आप इसे लगा सकते हो तो आपका इसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी। लेकिन कॉल पिकअप करते टाइम हेलमेट में पॉसिबल नहीं है, आपको फ़ोन को निकाल के बटन से कॉल पिक करना पड़ेगा, उसके बाद हेलमेट के अंदर आप बात कर पाओगे। इस टाइप से है क्योंकि हेलमेट के ब्लूटूथ अलग आते हैं, वो हेलमेट के बाहर लगते हैं, ठीक है ना। अगर आप गाना प्ले कर देते हो, गाना अगर प्ले कर देते हो तो आपको यहाँ से पॉज प्ले वॉल्यूम रॉकर बटन के थ्रू इसे कंट्रोल कर सकते हो। ये वॉल्यूम रॉकर बटन है, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको मान लिया जाए अगर आपको इनकमिंग कॉल आती है तो इसमें जो वॉइस असिस्टेंट बाय डिफॉल्ट डला हुआ है तो आपको बोलेगा इनकमिंग कॉल और नंबर वो बोल के बताएगी आपको, तो आपको यहाँ से अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ से कॉल को पिक कर सकते हो, ठीक है। कॉल पिक किया बात की, अगर सामने वाला कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करता है तो इस मल्टी फंक्शन बटन को एक बार आपको दबा देना है तो कॉल डिस्कनेक्ट अपने आप हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी सारी इसमें यार फंक्शन है, और भी आपका कोई भी सवाल सुझाव या प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो। आप कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ब्लूटूथ में आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने की, ठीक है। अब मैं इस ब्लूटूथ को मेरे फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ, फिर आप इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि वॉइस वीडियो, जैसे कि आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इसके मैं काफ़ी सारे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे वीडियो डालते रहता हूँ। जैसे कि मैं कभी ऑफिस में हूँ तो मैं काफ़ी सारे इसकी वीडियो मैंने डाले हैं यार, आप देख सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक नीचे मिल जाएगा वीडियो के। तो जब मैं इंपॉर्टेंट अपडेट आ जाता है तो ये मैं ऑफिस से ही फटाक से
थोड़ा ब्रेक लेके इससे मैं कोई भी वीडियो बना के छोटा सा क्विक अपडेट मैं मेरे इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर डाल देता हूँ। ट्विटर का लिंक भी नीचे मिल जाएगा आपको, और इसको अगर आपको चेक करना है और भी अमेज़न इंडिया पे लगभग 700 से 800 रुपए का मिलेगा। मैंने इसे डील में ख़रीदा था इसलिए मुझे 600 समथिंग का पड़ा था, लेकिन अब अभी अमेज़न की और एक डील आने वाली है 21st को, तो आप इसे वहाँ से डील में और ख़रीद सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिलेगा। या तो मेरी लिंक से भी खरीदोगे तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। अब इस गाइस इस ब्लूटूथ को मैं मेरे फ़ोन से पेयर करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करके बताता हूँ कि इसमें कैसा आपको परफॉर्म मिलता है, क्योंकि अभी मैं कान में लगा लूँगा तो आपको इसको दिखेगा नहीं। चलो चलते हैं आप। ओके गाइस, सो दिस रिकॉर्डिंग वॉइस टेस्टिंग बाय डिफॉल्ट सिस्का ब्लूटूथ, अभी जो मेरी वॉइस आ रही है इसके माइक्रोफोन से आ रही है, नॉट फॉर माय मोबाइल फ़ोन माइक्रोफोन, ठीक है। तो अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है, यानी कि जो मेरी आवाज़ आ रही है इस ब्लूटूथ के थ्रू आ रही है, ठीक है। इसे मैं दूर ले जाता हूँ तो मुझे लगता है मेरी आवाज़ आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। अब आ रही है मेरी आवाज़, थोड़ा धीरे धीरे आई होगी। इस जो ब्लूटूथ की रेंज है मैं बता देता हूँ आपको, इस ब्लूटूथ की गाइस जो रेंज है लगभग आपको 10 से 20 मीटर मिलेगी, लेकिन मेरे टेस्टिंग के अनुसार इस जो ब्लूटूथ की रेंज है वो लगभग 20 मीटर तक के जाती है। आपका मोबाइल फ़ोन ऊपर होना चाहिए, अगर आपकी आवाज़ कट रही है तो आपको इस ब्लूटूथ को आपके फ़ोन को जितना हो सके पास में रखना है, बैग में रखना है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो मोबाइल फ़ोन बैग में है तो बड़े ही आसानी से इसको पिक कर सकते हो। 10 मीटर ब्लूटूथ की इसमें रेंज है, इसका वीडियो आप देख सकते हो, मैंने पहले के वीडियो में बताया था, लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। अभी जो मेरी आवाज़ आ रही है आपको इस ब्लूटूथ के ही बाय डिफॉल्ट माइक्रोफोन से आ रही है। अब मैं इसे मेरे पास में ले जाता हूँ तो आवाज़ देखना किसी आपको आती है। अभी मैं मेरे इसे पास में मैंने एकदम ला लिया है और आप देख सकते हैं गाइस कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। हेलो 1 2 3 वॉइस टेस्टिंग, हेलो सिस्का ब्लूटूथ LB300 मॉडल नंबर LB300, हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग सिस्का ब्लूटूथ, हेलो हेलो। तो देखा आपने, आप जितना पास में ले जा रहे हैं इसकी वॉइस आप देख सकते हो, क्योंकि ऑडियो वीडियो कॉलिंग वीडियोस मूवीज सब कुछ इस ब्लूटूथ को यूज़ करके आप बड़ी आसानी से देख सकते हो। और गाइस, और भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है इस ब्लूटूथ में तो आप लीव द मैसेज कमेंट सेक्शन बिलो, मैं कोशिश करूँगा आपके जवाब देने की। तो मैंने सारे क्वेश्चन को कवर किया है, ठीक है, इसमें आपको सब कुछ मैंने बता दिया है। बड़ी आसानी से आप इसे अमेज़न इंडिया से ख़रीद सकते हो। जिन जिन लोगों ने ये ब्लूटूथ ऑलरेडी बाय कर लिया है काफ़ी सारे, तो वो गाइस आपने अलग अलग टाइप के मॉडल नंबर बाय किए हैं, ठीक है, बट जो इसका वर्किंग होता है वो एक ही है। सिस्का का अगर आपका ब्लूटूथ है तो एक ही टाइप का है, ठीक है। मुझे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि एयर गिल और एयर हुक टूट जाती हैं, तो आपको अलग से अमेज़न इंडिया से आपको नीड पड़ती है तो मंगवाना पड़ेगा। ये ज़्यादा दिन नहीं चलती है क्योंकि बार बार लगाना निकालना ये टूट जाती है, ये क्योंकि ज़्यादा इस पर, क्योंकि यार 600-700 रुपये भी आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। ये आपको गिल बुलवाना पड़ेगा और एयर हुक भी बुलवाना पड़ेगा 3-4 महीने के बाद। अभी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट अमेज़न इंडिया से एयर हुक को और एयर गिल को मैंने ऑर्डर करवा दिया है, तो जो आपको समथिंग 145 रुपीस से लेकर 245 तक की इसकी रेंज आती है, आपको क्वालिटी देखना है और उस हिसाब से बुला सकते हो, ठीक है। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लीव द मैसेज कमेंट सेक्शन बिलो, एंड लाइक दिस वीडियो गाइस, शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। And currently Cisco Tech sign off and bye bye. Love you too.